पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अपने क्या था। खान नौशाद जी हैं, कल्चरल विंग के और लोहिया वाहिनी के, पिस्तौल स्मगलिंग, लैंड ग्रैबिंग, वीरेंद्र बहादुर पाल बलात्कार ब्लैकमेल, नवाब सिंह यादव डीएनए टेस्ट हो गया इसका, कन्नौज में रेप, मोहित खान अयोध्या में 12 साल की बच्ची के साथ रेप, राशिद खान पेरेंट्स को थ्रेटन करना कि रेप के केस वापस ले लो, जावेद अहमद रेप, अवधेश प्रसाद का बेटा अजीत प्रसाद किडनैपिंग, ये आपके कर्मकांड है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। आपके सांसद का बेटा वो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, वो किडनैपिंग करने के लिए जा रहा है, बताइए। अयोध्या के सांसद का बेटा किडनैपिंग करने के लिए जा रहा है, ये तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, इसके विजुअल विजुअल दिखाइए, विजुअल दिखाइए, आप विजुअल दिखाइए, जो कि तस्वीरें आई हैं जिसमें अवधेश पासी का बेटा दिखाई दे रहा है, अब बताइए इसमें क्या बोलेंगे। ये सब आप क्योंकि कर्मों की बात कर रहे हैं, कर्मों का लेखा जोखा सब यही होता है जी। थोड़ी मर्यादा रखिए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कर्मों का लेखा जोखा यही होता है, जब अयोध्या हार गए और मिल्कीपुर हारने की तैयारी है तो उनकी विदाई ना हो जाए। वीडियो कैसे बनाएगी, इसलिए सीसीटीवी फुटेज कैसे आ जाएगी उसकी, रुको जरा सबर करो। अमित भाई मैं एक बात सच्चाई से बोल दूं। हाँ बोल दीजिए। अमित भाई मैं एक बात सच्चाई से बोल दूं। बोल दीजिए। अभी तक क्या हमारी सरकार हो तो हम फर्जी मुकदमे में आपको आपके स्टूडियो से उठवा लेंगे, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। हम दो तरीकों से समझा लेते हैं, बोलकर भी और दूसरे तरीके उठवा लेंगे। इसका 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 तात्पर्य क्या है, इसका आपने शांतनु गुप्ता को ये क्यों बोला? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। देखिए क्या ना, आप लोग सब लोगों ने मिल के ये तय कर लिया है कि हमारी हर बात को आपको गलत ही साबित, हमने कहा कि नेताजी हो या लालू प्रसाद यादव जी हो, उन लोगों ने जो सामाजिक न्याय की लड़ाई जिस तरीके से चाहा वो लड़ा, लेकिन पिछड़े दलितों को हक अधिकार दिलाने के लिए उनकी सामाजिक बराबरी, आर्थिक बराबरी, राजनीतिक बराबरी, शैक्षिक बराबरी, यहाँ तक धार्मिक बराबरी के अधिकार लड़े, चारा खा के लालू प्रसाद यादव, हमको लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे ना, लड़ रहे हैं, बीजेपी सरकार से लड़ रहे हैं, उनके तंत्र से लड़ रहे हैं, उनकी साजिश से लड़ रहे हैं, उसी पर तो बहस कर रहे हैं। बात तो सही है। योगी जी ने अपने अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया है, घटना कोई भी हो समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, किसी न किसी एक को हर घटना में आपको रखना है, क्योंकि वो झूठी FIR लिख करके जेल भेज रहे हैं, और मकसद केवल एक ही है, मकसद वर्कर को जेल भेजना नहीं, समाजवादी पार्टी को, माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम करना है। क्या आपको लगता है ये नकली नोट नहीं पकड़े गए हैं और रफी खान गुनाहगार नहीं है, ऐसा आपको लगता है? क्या आपको लगता है कि क्योंकि नवाब सिंह यादव के केस में तो DNA सैंपल तक मैच हो गए हैं, उस केस में वो रेपिस्ट नहीं है? अबे साले। देखिए अमीश भाई, नकली नोट छप रहे थे, कारतूस थे, हथियार थे, तो पुलिस क्या कर रही थी, कितने दिनों से कारोबार चल रहा था, आप किसी को पकड़ेंगे? हमने कहा ना कि हर जिले में निर्देश है, घटना कहीं पर भी हो समाजवादी पार्टी के नेता को किसी न किसी को फंसा के FIR करना है, जेल भेजना, फिर टीवी डिबेट कराना है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। खत्म।